बुलेट बढ़िया एकदम चकाचक है बुलेट। तो अभी आए थे हम लोग जो सिविल लाइन्स एरिया है इलाहाबाद का मेन एरिया है, इसको बता देता हूँ। तो वहाँ पर आए थे फ़ोन के बारे में पता करने दुर्गेश भाई, तो क्या नाकामी मिली ना दुर्गेश? नाकामी मिली है, कम से कम 20 से प्लस स्टोर देखा, फ़ोन कहीं अवेलेबल नहीं है। अब लगता है मुश्किल है कि जो डिवाइस चाहिए मुझे वो। और यहाँ आके आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप मेन एरिया में आए हैं और लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, लोगों ने मास्क बहुत कम लगाया है, बहुत कम लोगों ने लगाया और पूरी धज्जियाँ उड़ा दी है इस लॉकडाउन के नियमों की। तो यही अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर ब्रिज देखने, यहाँ का जो सिविल लाइन्स से कितना दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर दूर है। तो ये है वो वाला ब्रिज यमुना जी के ऊपर, और ये 2004 में और हम लोग ने ले लिया। ये देहाती के रसगुल्ले काफ़ी फेमस है और अब यहीं बैठ के खाएंगे। और यहाँ शाम के वक्त लाइन से कई सारे लोग पूछ रहे थे, इलाहाबाद का फेमस फोर्ट भी है। हाँ, इलाहाबाद फोर्ट जो अकबर ने बनवाया था। और यहाँ पर लाइन से शाम को आपको लड़के लबाड़े मिल जाएंगे टिकटॉक बनाते हुए बैठे हुए, लेकिन हम लोग टिकटॉक बनाने नहीं आए, हम लोग बस दिखाने आए अपने आपको। घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो और नहीं तो जा नहीं सकते इस समय, क्योंकि जितने भी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सब तो बंद ही है, रेलवे बंद है। और मैंने पूरा चेक किया कि ये पूरा सैनिटाइज होके आए, मास्क लगा के आए, और ये भी लॉकडाउन का पूरा फॉलो कर रहा था। और वैसे यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एकदम फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे, एकदम बेधड़ल्ले से बोलते हैं ना कि घूम रहे, एकदम को फर्क भी नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर दूर दिखाता हूँ, यहाँ पर पूरा आइसक्रीम आइसक्रीम स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, ये एक तरह से पिकनिक स्पॉट हो गया है इलाहाबाद वालों के लिए, प्रयागराज वालों के लिए। एक ऐसा ब्रिज था कोलकाता में भी, विद्यासागर सेतु। और मैं जब चाइना गया था तो ये जो ब्रिज देखो नीचे गिरता है ना, उसके नीचे घूम के एक और फ्लोर हो रहा था, ऐसा हो रहा था। हवा इतनी तेज चल रही है कि मेरे बाल टिक ही नहीं रहे हैं। वाह, हमारे तो बाल ही कम हो चुके हैं। बाल भी जो बाल है वो टिक ही रहे। अच्छा है वैसे ये जगह, हवा बहुत बढ़िया चलती है। अभी एक और ब्रिज है शास्त्री ब्रिज, दो ब्रिज दिखाऊंगा अपने वीडियो में, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं जाने का है नहीं तो यही सब से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं तो निकलना ही है इंसान को। और पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से। और ये रहा मास्क, अभी उतार दिया क्योंकि अभी यहाँ लोग हैं नहीं आसपास। और यहाँ पर है संगम पीछे, जहाँ पर तीन नदियों का मिलन है, गंगा यमुना और सरस्वती का। तो अब यहाँ चलते हैं क्योंकि शाम भी हो रही है और भी ब्रिज कवर करना है इलाहाबाद के, तो उसके बाद चलते हैं यहाँ से।
और जब यहाँ बैठते हैं रेलिंग पर, जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं ना, तो बहुत जोर का हिलता है, ऐसा लगता है कि भाई भूकंप आ गया। और ये है शास्त्री ब्रिज, जो कि अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ब्रिज माघ मेले और कुंभ के वक्त रोशनी से जगमगा उठता है, जब सारे शिविर इस ब्रिज के नीचे लग जाते हैं। तो इस समय हम लोग हैं सिविल लाइंस में, और जो ब्रिज देखने का प्लान था वो पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम था। तो जितना मैं दिखा सकता था मैंने दो ब्रिज दिखाया आपको, और पीछे हम लोग आ गए सिविल लाइंस के मेन एरिया में, यहाँ अपोलो फार्मेसी और यहाँ मैक्स के मॉल के पास एक ये बाटी चोखा का रेस्टोरेंट है, जो कि मेरा फेवरेट। तो आज हम जा रहे हैं वहीं पर खाने खाना, और दुर्गेश भाई चले गए, अब हम भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में घुसने से पहले यहाँ पर सैनिटाइजर रखा है, और टेम्परेचर चेक करने वाली थर्मामीटर मशीन, और नाम और पता नोट कर रहे हैं भैया आप? अच्छा अच्छा। और हम लोग अंदर बैठ गए, एक वक्त था यहाँ पर सिविल लाइंस के सारे रेस्टोरेंट में पूरा एकदम भरा रहता था, और हम लोग अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से पूरा काम, और ये कुछ ये लोग यहाँ पर सर्व करते, और हमने मंगाई है स्पेशल बाटी चोखा, यानी कि उसको मिलेगा दाल, वो आ जाता तब दिखाते हैं आपको। घी है? हाँ जी, ठीक। कैसा है थोड़ा खा के बताओ, इसके अंदर स्टफिंग कर देते ना वो सत्तू, सत्तू का, और ये पूरा एकदम कंडी में बनता है ये। तो चोखा तो लगा, कितने दिनों बाद मैं ही खा रहा हूँ। चोखा का कोई कंपटीशन नहीं। अरे भाई देसी खाना एकदम होता है अपना। साथ में मिर्चा ले ले भाई, गजब खाना यार, मैं कितना एक्साइटेड हूँ यार एकदम, ये भी खाया भी नहीं। तो ये है पनीर बाटी, इसके अंदर फिलिंग है पनीर का, कुछ दिनों बाद मैं इस तरह का खाना खा रहा हूँ। वाह, बहुत सही यार। इसमें चावल और ये खीर तो अभी आया है, ये चटनी दोबारा मंगाया जाए क्या? ये वाली मंगा लो, मैं यही मंगा। तो इतने दिनों बाद बाहर निकल के भी लग नहीं रहा है कि भाई लॉकडाउन अभी कुछ दिन पहले ही था, एकदम सब नॉर्मल लग रहा है, सब कोई निकला, बस फर्क ये तो लोग मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है। और इसी के साथ ये जो छोटी सी एक वीडियो थी अपने इलाहाबाद सिटी की, तो वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि लॉकडाउन में कैसा है ये इलाहाबाद। बस इतना ही, अभी रखते हैं इस वीडियो को, ख़त्म करते हैं, और आप लोग सेफ रहिए, बाय।